आज मैम क्या है? आज गांधी जयंती है मैम। क्या है? हाँ? आज क्या है मैम? गांधी जयंती। आज हमारे बाबू का हैप्पी बर्थडे है। गांधी, देखिए लाल बहादुर शास्त्री एक प्राइम मिनिस्टर थे, गांधी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ठीक है ना। वो लालच का पद होता है। छुट्टी किस वजह से देते हैं? छुट्टी किस वजह से होती है? हॉलीडे महात्मा गांधी की वजह से, इसलिए सभी को महात्मा गांधी का याद रहता है। छुट्टी क्यों है? 5 साल पहले आपको पता था शास्त्री जी का बर्थडे आता है? नहीं, हमको नहीं पता था, हम तो वैसे पढ़े लिखे भी नहीं है। गांधी परिवार का, नेहरू परिवार का हमेशा से यही था कि आने वाली जनरेशन, आने वाली 21वीं शताब्दी, 22वीं शताब्दी, 23वीं शताब्दी, इनका हमेशा यही रहा है कि आने वाले टाइम तक हर एक बच्चा गांधी के परिवार का, उन बस नाम पूरी हिस्ट्री में। हाँ, पंकज शर्मा। पंकज जी आज क्या है? डॉक्टर। गांधी जयंती। आप सर? गांधी जयंती भैया। महात्मा गांधी का जन्मदिन। लाल बहादुर शास्त्री का बर्थडे भी आज। सब क्यों भूल? क्या इन्होंने जो बोला? तो फिर मैंने ये गांधी जयंती नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री का भी है, हमने का उनका नहीं है। इसने गांधी कहाँ बोला? फिर इसने गांधी नहीं बोला। किस वजह से देते हैं? छुट्टी किस वजह से होती है? हॉलीडे महात्मा गांधी की वजह से, इसलिए सभी को महात्मा गांधी का याद रहता है। छुट्टी क्यों है? आज छुट्टी क्यों? हॉलीडे 2 अक्टूबर क्यों? समझ गया। पर ज्यादातर मोस्टली छुट्टी किस लिए देते हैं ये लाल बहादुर? हमने तो कभी सुना नहीं है कि आज लाल बहादुर शास्त्री है वो है इसलिए छुट्टी है, महात्मा गांधी का ही सुना है। इस स्थिति के बारे में जैसे आपने कहा कि आपको पता ही नहीं था कि लाल बहादुर शास्त्री का भी 2 अक्टूबर को बर्थडे आता है। मोस्टली जो सुनते हैं ज्यादातर वही, याद तो वही रहेगा ना, याद तो वही रहता है, इसलिए हम वही बोलते हैं। आज सोशल मीडिया पे यही लड़ाई चल रही है कि 2 अक्टूबर आखिर किसका? दोनों का देखा जाए तो दोनों का है। अगर छुट्टी को देखोगे आज छुट्टी क्यों है तो वो महात्मा गांधी। तो सर ऐसा ऐसी स्थिति क्यों बन गई कि शास्त्री जी को भूल गए? ये क्योंकि महात्मा गांधी का नोट के ऊपर भी फोटो होने की है, ठीक है, नोट के ऊपर फोटो होने की है। जहाँ देखो भाषणों में लाल बहादुर शास्त्री नाम का, मैं मोदी का ही भाषण ले लो आप, महात्मा गांधी का ज्यादा वो बोलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बहादुर शास्त्री के उसमें भी गए थे मोस्टली। अब बंदों को किसी आदमी को ध्यान क्या रहता है, जो मोस्टली होता है, मोस्टली जो वर्ड है वो सुनते हैं वही बोलेंगे ना, तो उसी की वजह से बस ये आज का दिन। आपको शास्त्री जी कैसे याद थे सर? याद है, पढ़ा हुआ है, स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है। भी शास्त्री के भी बर्थडे है, भी आज महात्मा गांधी का, दोनों की बोलना चाहिए वैसे तो, मोस्ट प्रोबेबली तो वैसे महात्मा गांधी के ही आता है। सबसे पहले सोशल मीडिया पे एक वॉर चल रही है सर इसी को लेके, कहा जा रहा है शास्त्री ज्यादा बड़े हैं, गांधी नहीं, शास्त्री जी, गांधी जी ने शास्त्री को दबा दिया। नहीं, ये तो अपनी अपनी सबकी विचारधारा है, किसको कौन बड़ा लगता है। देखा जाए तो सभी बराबर ही हैं, वो भी अपने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, गांधी अपने राष्ट्रपिता हैं, तो वैसे कोई ज्यादा। 2 अक्टूबर को सिर्फ और सिर्फ गांधी जयंती के नाम पे मनाया जाता है। आज 5-6 सालों में ये दौर चला कि शास्त्री जी को भी लोगों ने जानना स्टार्ट किया कि 2 अक्टूबर को शास्त्री जी का भी बर्थडे आता है। इससे पहले सबने गांधी जयंती को ही जाना, क्यों? क्योंकि बचपन में पढ़ाया जाता है सबसे पहले गांधी का, हमने भी जब बचपन में पढ़े हैं तो महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा है। शास्त्री का तो हमें फिर डिग्री वगैरह में ग्रेजुएशन के टाइम पे पता चला है भी उसका भी बर्थडे आता था। हमें तो बचपन में यही पढ़ाया गया, टूक तब्बुर को जो छुट्टी होती है वो महात्मा गांधी के लिए होती है। अच्छा सर, 2 अक्टूबर को आप क्या सोचते हैं? सर मेरा मानना यह है कि देखिए, अगर आप फादर ऑफ द नेशन की बात करते हैं तो महात्मा गांधी का इस देश के लिए समर्थन जो रहा है, उनका जो जो देश की आज़ादी के लिए जो उन्होंने किया है, मेरे हिसाब से राष्ट्रपिता कहलाने के लायक वो बिल्कुल उनका बनता है। लेकिन अगर आप कुछ लोग कहते हैं कि अगर हाँ, अगर आप लाल बहादुर शास्त्री जी को नहीं मानते, देखिए मैं कहीं ना कहीं मतलब महात्मा गांधी को मानता हूँ, लेकिन मेरी उनसे नाराजगी हमेशा यही रही कि भगत सिंह के लेके, हम एक रेवोल्यूशनरी हैं और हम सच्चे भक्त भगत सिंह के हैं। वो चाहते, अगर वो इतने राष्ट्रपिता है, अगर वो इतने अहिंसा की बात करते थे तो वो चाहते तो भगत सिंह को उस वक्त बचवा सकते थे। लेकिन इन गांधी परिवार का, इन नेहरू परिवार का हमेशा से यही था कि आने वाली जनरेशन, आने वाली 21वीं शताब्दी, 22वीं शताब्दी, 23वीं शताब्दी, इनका हमेशा यही रहा है कि आने वाले टाइम तक हर एक बच्चा गांधी के परिवार का, उन बस नाम पूरी हिस्ट्री में। हाँ, इनका बस ये था कि एक परिवारवारिक जो राजनीति है, जो गांधी के परिवार है वो ही रहे। लेकिन ये चाहते तो भगत सिंह जैसे जो रेवोल्यूशनरी थे उनको बचा सकते। अगर भगत सिंह बच जाते तो आज पूरे भारत में शायद उन्हीं का नारा होता, भगत सिंह का। के क्या विचार है सर, इतने बड़े नेता, हरित क्रांति का नारा देने वाला, जय जवान जय किसान करने वाला, और एक दिन व्रत रखने की भी बात उन्होंने कहा था कि एक टाइम का खाना आप छोड़ दीजिए इस देश को, उन्होंने आह्वान किया और जनता ने मान लिया, मगर 2 अक्टूबर सिर्फ गांधी के नाम पर याद रखता है। शास्त्री जी नाम पे क्यों?
सर शास्त्री जी को देखो पार्टी पॉलिटिक्स ने भुला रखा था, जैसे कि अब 50 साल या 52 साल उनने राज किया, कभी उनने जिगर ने उनने बस गांधी जी को ही शो किया है। अब ये 5 साल जो बीजेपी की आई तो इसकी जनगणना हुई कि भाई जब उनने इतने बलिदान दिया है, जय किसान जय जवान का नारा लेके वो आए हैं, तो उनका नाम क्यों नहीं? तो ये तो पार्टी का मतलब सहयोग रहा कि उस चीज को बुला के रखे। 5 साल पहले आपको पता था शास्त्री जी का बर्थडे आता? नहीं, हमको नहीं पता था, हम तो वैसे पढ़े लिखे भी नहीं है। हाँ। एक बात बताई जाए, जैसे बच्चे कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, ये है उनने पढ़ा है, हमने तो पढ़ा भी नहीं, हमें तो पता ही नहीं था है। अभी जाके पता लगा लाल बहादुर शास्त्री का भी आज ही दिन बर्थडे होता है, आज ही पता लगा है, ये मान लो इतनी उम्र में आज ही पता लगा है। लेकिन ये पार्टी पॉलिटिक्स है, तो हमारी राजनीतिक साजिश के तहत उनके नाम को इतिहास से मिटाने की कोशिश जी, और राजनीतिक मुद्दे से ही हम लोग पब्लिक को भटकाया जा रहा है, ये मान लो ये अपना विचार पब्लिक को रखने नहीं दे रहे हैं लोग। भाई साहब देश को डेवलप करना है तो एक ही मुद्दा है सीधा, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, चाहे मोदी जी सुन ले चाहे कांग्रेस सुन ले कोई भी सुन ले, यदि देश हमारा शिक्षित नहीं होगा तो हमारा देश ऐसे ही भटकता रहेगा। गांधी जयंती बस इतना ही बता रहा हूं। शास्त्री जी का भी जन्मदिन है सर। शास्त्री जी सर क्यों नहीं याद? किसी ने कभी याद ऐसे कोई नेता ने कभी ऐसे कुछ बारे में किसी ने कभी जिक्र नहीं करा, सब गांधी जी 2 अक्टूबर का ही जिक्र करते हैं। आज तो गांधी जयंती बुधवार है, और बोलिए और क्या कहना है? शास्त्री जी का जन्मदिन? हाँ बिल्कुल, लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। आपने गांधी का ही नाम? गांधी देखिए लाल बहादुर शास्त्री एक प्राइम मिनिस्टर थे, गांधी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ठीक है ना, वो लालच का पद होता है, लालच के पद पर गांधी जी नहीं थे, और गांधी जी को हम आज भी जो है मानवता के एक पुजारी मानते हैं। शास्त्री जी ने लालच करी, ठीक है ना, नहीं लालच पद की लालच, पद पर बैठना लालच है, यदि ये नहीं होता तो मैं आपको बता रहा हूँ आंदोलन किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण को ये लोग गए बैठाने के लिए प्राइम मिनिस्टर, एक मिनट, जयप्रकाश नारायण कुदाल लेके और खेत में चले गए, ये मेरा असली जमीन है, लालच के पद पर मैं नहीं बैठता, इसलिए मैंने आपसे कहा, और मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जैसा अच्छा प्रधानमंत्री कोई इस देश का नहीं रहा, ये भी बात है, लेकिन पद लालच होता है सर। और गांधी जी ने एक बार कहा था कि कांग्रेस को भंग कर दो, क्योंकि ये कांग्रेस का जो मेन मुद्दा होता है आज़ादी का वो अब हो गया है, खत्म हो गया है, तो अब कांग्रेस को भंग कर दो, कांग्रेस का मतलब काम नहीं है। देखिए लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो अभी तक इस देश में वैसा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ है, उनका जो योगदान था एक बार की आप याद करिए, जब अमेरिका से हम गेहूँ खरीदते थे, ठीक है जी, उस गेहूं को बंद करना लाल बहादुर शास्त्री ने काम किया था जी, अमेरिका ने धमकाया था सर कि अगर आप पाकिस्तान में वो नहीं लड़ाई नहीं रोकेंगे तो हम गेहूं बंद कर देंगे, तो उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन, हाँ ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि शास्त्री जी कहते थे कि भाई हम एक टाइम नहीं खाएंगे, हफ्ते में एक दिन हम उपवास रखेंगे, ठीक है, ये शास्त्री जी का योगदान था, इसलिए शास्त्री जैसा तो मैंने सच्चा और सूरबीर और प्रधानमंत्री कोई नहीं होगा इस देश को चलाने में, भले वो 2 साल बहुत कम पीरियड रहे लेकिन उस 2 साल बेमिसाल है उनका। सर उसी प्रधानमंत्री का पोस्टमार्टम नहीं होता? हाँ ये तो अब ये देख लीजिए, अब ये तो कांग्रेस का ही देन है सर, ये कांग्रेस जो प्रवृत्ति है, जो मारे जाते हैं या मर गए कुछ नहीं पता, देश को कभी कुछ नहीं बताया जाता, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री। मैं तो कहता हूँ कि उनका भी बताया जाए, प्लस जो आज़ादी के समय से पहले जो घटना हुई सुभाष चंद्र बोस की, उनका भी बताया जाए, क्योंकि बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे को अंधेरे में रखा गया है, जबकि वो तो मतलब पक्के कांग्रेसी थे, ये भी नहीं कि कोई दूसरे पार्टी के थे या कोई कुछ थे, ठीक है, अभी मोदी जी ना करें वो अलग चीज़ है, मोदी जी क्या करें, लेकिन कांग्रेस को 50 साल में इतना दिन तक शासन उन्होंने चलाया, उनको जरूर शास्त्री जी का सम्मान करना चाहिए, और शास्त्री जी को जहाँ से भी उनको लगे कि भैया ताशकंद में उनका मौत कहाँ से हुआ, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कैसे उनको मारा गया, ये जरूर रिपोर्ट देना चाहिए, ये देश के आगे सामने आना चाहिए। तो प्रॉब्लम है ये एजुकेशन सिस्टम की, अब मतलब हमें अपने ये देखना चाहिए कि एजुकेशन में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या सिखाया गया, कि लोग जो है लोगों को पता होता है कि आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी है, बट आप किसी से पूछेंगे वो गांधी जी का ही नाम है, मैं ये नहीं कह रहा गांधी जी इंपॉर्टेंट है बट वो भी इंपॉर्टेंट रहे हैं। आज मैम क्या है? आज गांधी जयंती है। मैम क्या है? आज क्या है मैम? गांधी जयंती। आज हमारे बाबू का हैप्पी बर्थडे है, और हम लोग और कुछ नहीं और लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे आज। सिर्फ गांधी
नहीं नहीं उनका भी बर्थडे है, हम लोग आज आए हैं फैमिली के साथ थोड़ा यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए, छुट्टी भी थी सो दैट्स व्हाई वी हैव केम हियर विद फैमिली। और क्यों नाम पर गांधी जी का क्यों का, इसलिए क्योंकि ही इज अ रिनोन्ड फेस, ही इज द फादर ऑफ द नेशन सो एवरीबॉडी नोज हिम वेल सो दैट्स व्हाई। प्राइम मिनिस्टर से मैम वो इस देश के ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाले, वो वाइट रेवोल्यूशन लाने वाले, वो पाकिस्तानी सेना को खदेड़ कर पाकिस्तान फेंक दिया था उठा के, लाहौर तक हमारी सेना चली गई थी, मगर आज उन्हें क्यों भूला जा रहा है? उन्हें इसलिए क्योंकि बेसिकली हम लोग उनको एज अ फादर ऑफ नेशन बोलते हैं सो इसलिए उनको थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड पर्सनैलिटी। लाल बहादुर शास्त्री का योगदान नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल, गांधी का बिल्कुल है, नहीं नहीं बिल्कुल है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। पोस्टमार्टम तक नहीं कराया जाता एक प्रधानमंत्री का, एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हैं? नहीं आई थिंक उनको मतलब छोटी सी मतलब कुछ ऐसे ऐसे हमारे मतलब नेशन में ऐसे कुछ लीडर्स हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, मतलब कुछ ऐसे लीडर्स हमने देखे हैं कि हम लोगों को मतलब कैसे वो उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया के लिए और उन्होंने क्या किया और कैसे वो मरे, क्या क्या सिचुएशंस थी, मतलब किसी को भी इवन कुछ भी नहीं पता होगा उस चीज़ के बारे में। सो आप कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें हमसे छुपाई गई? नहीं नहीं वो पता होना चाहिए, मतलब इवनली हम लोगों को नॉलेज उस चीज़ के बारे में होनी चाहिए कि क्या हुआ कैसे हुआ है। छुट्टी से तो याद नहीं रहता गांधी जी? हाँ नहीं 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं।